सो गाइज हेयर इज माई फर्स्ट हैक। ये है हमारा मश्कारा वाला हैक। यदि आपका मश्कारा इस तरह से सूख जाता है, अगर ड्राई हो जाता है, अगर ढंग से नहीं लगता है, तो इसे हम ठीक करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें चाहिए होगा रोज वाटर। ध्यान रहे रोज वाटर प्लेन होना चाहिए या फिर वो होना चाहिए जो हम अपनी आईज में यूज कर सके। और अगर आपको नहीं मिलता है तो आप मेडिकल पे जाइए, वहाँ आपको आसानी से मिल जाएगा। सो हमें क्या करना है, हम रोज वाटर लेंगे और इसकी हम इसमें कुछ ड्रॉप्स हम इसमें डाल देंगे। अब देखिए 4 से 5 ड्रॉप मैंने इसमें डाल दी है। और अब हम क्या करेंगे, हमें इसको बंद कर देना है और हमें इसे अच्छे से शेक करना है ताकि अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए और इसकी कंसिस्टेंसी जो है अच्छी हो जाए, लगाने लायक हो जाए। तो अब हम देखेंगे, हमारा मश्कारा तैयार है। ये आप देखिए, देख सकते हैं पहले से कितना सही हो गया है। मैंने इसमें थोड़ा ही डाला है, अगर आपको और करना है, अगर आपको और इसको अच्छा करना है, गीला करना है, तो आप इसमें और डाल सकते हैं। इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि आपको कितना डालना है, आप कितना भी इसमें डाल सकते हैं। सो ये था हमारा मश्कारा वाला हैक। सो गाइस अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट हैक पे। सो गाइस अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट हैक की तरफ, जिसमें यदि आपका फाउंडेशन अचानक खत्म हो जाए या आपको फाउंडेशन नहीं लगाना, आप नॉर्मल लगाना चाहते हो कोई क्रीम और चाहते हो कि फाउंडेशन जैसा लुक आपका आए, उसमें मैट फिनिश आ जाए, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा गाइस, हमें चाहिए होगी एक बीबी क्रीम। तो हमें क्या करना है, हम थोड़ी सी बीबी क्रीम लेंगे और हम उसे जितना हमें लगाना है हम उसे निकाल लेंगे। आप चाहो तो अपने हैंड पे भी लगा सकते हो, मैंने इसमें बाउल में निकाल के मैं आपको बता रही हूँ, आप अपने हैंड पे भी इसको कर सकते हो जैसा मैं कर रही हूँ। देन हमें चाहिए होगा एक कॉम्पैक्ट पाउडर, उसे हम इस तरह से थोड़ा सा ब्रश करके हम अपनी बीबी क्रीम में मिक्स कर देंगे। आप देख सकते हैं मैंने इतना सा लिया है और हमें इसे अच्छे से मिक्स करना होगा। कॉम्पैक्ट पाउडर इसलिए ताकि इसकी कंसिस्टेंसी जो है हमें फाउंडेशन जैसी मिल जाए। मैंने बहुत ज़रा सा लिया है इसलिए ऐसा इतना सा ही आपको दिख रहा है इसमें। आप अपने जितना आपको लगाना है उसके हिसाब से ले लीजिए, जितना आपके फेस पे यूज होगा। तो हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है जब तक ये बहुत अच्छे से इसमें मिक्स ना हो जाए। सो आप देख सकते हैं ये पूरा एकदम फाउंडेशन जैसा थिक हो गया है। देन हम इसे अप्लाई करने के लिए हम इसे इजीली आप अप्लाई कर सकते हैं एज अ फाउंडेशन। देख सकते हैं आप इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल फाउंडेशन जैसी हो गई है और ये आपको जो है फाउंडेशन वाला फिनिश देगा। देखिए आप बिल्कुल फाउंडेशन वाली फिनिश ही आपको देगा। सो ये था हमारा नेक्स्ट हैक। सो गाइस मेरे नेक्स्ट हैक में मैं आपको बताने वाली हूँ, अगर आपके पास भी ऐसा कोई फाउंडेशन है ड्रॉपर वाला, जिसमें ये ड्रॉपर दिया जाता है जिससे हमें यूज करना पड़ता है, तो अगर ये लास्ट में आप देख सकते हैं इसमें काफी सारा बचा हुआ है बट ये ड्रॉपर में अब इसमें नहीं आता है। तो आप देखिए इसमें कुछ भी नहीं आ रहा है, मैं इसको पुश कर रही हूँ बट इसमें नहीं निकलता है, बट इसमें काफी सारा प्रोडक्ट है जो मुझे यूज करना है। गाइस हम इसे वेस्ट तो नहीं कर सकते ना, इतने पैसे लगा के हम लेते हैं इतने महंगे प्रोडक्ट, और इसमें काफी अच्छा है, ये सेफ है, हाइजेनिक है, बट इसमें एक प्रॉब्लम ये हो जाता है कि आप इसको, मैंने आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने इसको सिर्फ 7 से 8 बार ही यूज किया होगा, उसके बाद ये इसमें नहीं आता है। तो हमें इसको यूज करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा गाइस, हमें चाहिए होगा एक क्यूपिड। इस क्यूपिड की हेल्प से हम अपना जो फाउंडेशन है इसमें से निकाल सकते हैं इजीली। तो आप देख सकते हैं उसमें पंप में जो नहीं आ रहा था, आप देखिए इसमें कितना सारा फाउंडेशन आ गया है। तो हम इस तरह से क्यूपिड की हेल्प से अपना जो इसमें बचा हुआ फाउंडेशन है उसे भी हम इजीली यूज कर सकते हैं। क्यूपिड की हेल्प से कितना इजी हो गया है इसमें से प्रोडक्ट निकालना। सो हमारा प्रोडक्ट वेस्ट नहीं जाएगा। सो बिग थम्स अप फॉर दिस हैक। सो गाइज माई नेक्स्ट हैक ऑन दिस जेल आईलाइनर, अगर आपके पास भी कोई जेल आईलाइनर है और वो इस तरह से ड्राई हो गया है, आप देख सकते हैं ड्राई हो गया है, ठीक से नहीं लग रहा है, पूरा ये ड्राई हो चुका है अंदर से, तो इसके लिए हमें चाहिए होगा सिर्फ हॉट वाटर। सो गाइज इसके लिए हमें चाहिए होगा हॉट वाटर, हमने ले लिया है। अब हमें क्या करना है, इसको अच्छे से बंद कर देना है। आपके पास कोई भी जेल आईलाइनर हो, किसी भी तरह का उसका पैकेजिंग हो, बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है। हम यहाँ पे लेंगे सेलो टेप और इसे हम इसे अच्छे से रैप कर देंगे ताकि पानी जो इसके अंदर ना जाए। हम इसे अच्छे से रैप कर देंगे ताकि पानी इसके अंदर ना जाए। सो आप देख सकते हैं इसमें 2 है तो मैं दोनों इसे अच्छे से रैप कर दूंगी पूरा ताकि पानी ना जाए। तो आपको भी टेप लेना है और टेप की हेल्प से आपको पूरी तरह से इसे रैप कर देना है। इसका जहाँ पे भी कैप हो वहाँ पे अच्छे से रैप कर देना है हमें। गाइस आप देख सकते हैं मैंने इसे अच्छे से रैप कर दिया है, अब इसमें पानी अंदर नहीं जाएगा। और हमें क्या करना है, हमें इसे हॉट वाटर में डाल देना है। अराउंड 10 to 15 मिनट्स हम इसे रहने देंगे इसके अंदर। सो फ्रेंड्स मुझे 15 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसे निकाल लेंगे। सो सबसे पहले हम इसे साफ कर लेंगे, देन हम इसका टेप जो है निकाल देंगे। सो फ्रेंड्स हमने इसकी टेप जो थी निकाल दी है, अब हम देखेंगे इसको लगा के। तो आप देख सकते हैं इसकी पहले एकदम ड्राई लग रहा था, अभी ये कैसा आपको लग रहा है, अभी देखिए इसकी कंसिस्टेंसी कितनी सही हो गई है। मैं एक बार आपको लगा के भी बता दें, देखिए कितना स्मूथ हो गया एकदम से, पहले इसमें से जो प्रोडक्ट ही नहीं आता था बाहर, और अभी देखिए बिल्कुल ये काजल जैसा हो गया है एकदम अच्छा। देखिए आप इतना डार्क हो गया है।
सो गाइस देखा आपने, ये हैक बहुत ही अच्छा है। अगर आपका भी जेल आईलाइनर इस तरह से सूख गया है और आप उसको चाहते हो कि आप उसे यूज करना, सो आप ये ट्राई कर सकते हैं। सो गाइस चलते हैं हम अपने नेक्स्ट हैक की तरफ। इसमें है ये एक लिपस्टिक। अगर आपके पास भी ऐसी कोई लिपस्टिक है जिसे आप यूज़ नहीं करते हो या आपको अच्छी नहीं लगती है एज ए लिपस्टिक, आप उसे फेंकने की सोच रहे हो या फिर आप चाहते हो कि उसे हम किसी और तरीके से यूज़ करें, तो आप इसे आई शेडो, एज अ आई शेडो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें इस लिपस्टिक को थोड़ा सा निकालना होगा। मैं आपको सिर्फ जस्ट बता रही हूँ, इसलिए मैंने इतना सा लिया है। तो हमें इस लिपस्टिक को एक बाउल में या किसी भी आप में निकाल सकते हो। तो हम ये ज़रा सी लिपस्टिक लेंगे और हम निकाल लेंगे, इतना सा प्रोडक्ट मैंने लिया है। और अब हम इसमें मिक्स करेंगे कॉम्पैक्ट पाउडर। तो हम इसमें ज़रा सा कॉम्पैक्ट पाउडर मिक्स कर देंगे ताकि इसकी जो ये थोड़ा मैट मैट हो जाए, आई शेडो लगाने में हमें ज़्यादा ये स्टिकी ना लगे। तो हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सो गाइस देख सकते हैं आप, जब मैंने लिपस्टिक निकाली थी तो वो बहुत स्टिकी लग रही थी, थोड़ी शाइनिंग वाली थी। देन हमने इसमें कॉम्पैक्ट पाउडर मिलाया तो ये बिल्कुल मैट हो गई है। अब मैं इसे आपको अप्लाई करके भी बताऊंगी। सो गाइस अब मैं इसे अपने आईज पे यूज करके आपको दिखा रही हूँ कि ये कितना अच्छा लगेगा। सो गाइस देखा आपने, सो गाइस देखिए आप कितना प्यारा लग रहा है और इसका जो कलर था वो भी चेंज हो गया है, बिल्कुल मैट की तरह लग रहा है, बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है। आप इसे इजीली आप यह हैक ट्राई कर सकते हो। और मैं आपको अब इसमें एक चीज़ और बता रही हूँ, आप इसे चाहो तो एज अ ब्लश भी यूज़ कर सकते हो, आप ज़रा सा एज अ टिंट आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो अपने चीक्स पे और आप इसे अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए। सो देखिए गाइस ये कितना अच्छा ब्लश का काम भी आपका कर रहा है, मेरे जो चीक्स एकदम पिंकी पिंकी हो गए हैं। तो आप यू मस्ट ट्राई दिस हैक गाइस। और इसमें एक चीज़ और है, ज़रूरी नहीं है आपके पास कोई पिंक लिपस्टिक ही हो, आपके पास कोई भी शेड हो जो आपको ऐसा लिपस्टिक पसंद नहीं है उसे आप इस तरह से आई शेडो यूज़ कर सकते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, बिल्कुल ये नेचुरल लग रहा है, बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा है कि आपने लिपस्टिक से लगाया, बिल्कुल आई शेडो जैसा ही लग रहा है। सो अगेन बिग थम्स अप फॉर दिस हैक गाइस। सो गाइस ये था मेरा लास्ट हैक। आपको मेरे ये हैक्स कैसे लगे प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।